यहाँ पर हम देखते हैं डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन क्या है, ये क्रिश्चियन ऑर्सर्ड साइंटिस्ट थे, 1820 में इन्होंने इलेक्ट्रो मैग्नेटाइज्म इंधनों की खोज की थी, उसके बाद में इलेक्ट्रो मैग्नेटाइज्म, उसके बाद में 1831 के अंदर मिशेल फेराइडे ने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन को खोज की थी। उसके बाद में यहाँ पर निकोला टेस्ला ने 1882 और 86 के बीच में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का जो रूल है, फ्लेमिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी खोज की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद में इसाक न्यूटन ने 1887 के अंदर लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर थर्ड लॉ है वो एक्शन और रिएक्शन का लॉ है, इसी पर डिपेंड है सारी मशीन होती है। यहाँ पर लेंस का लॉ बताया गया है। बेसिक प्रिंसिपल मशीन का क्या होता है, ये मशीन का बेसिक प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन बताया गया है। ए मोटर इज ए मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द डीसी मोटर इज वेरी सिमिलर टू डीसी जनरेटर इन कंस्ट्रक्शन। जनरेटर आर यूजुअली ऑपरेटेड इन मोर प्रोटेक्शन लोकेशन एंड देयरफॉर देयर कंस्ट्रक्शन इज जनरली इन ओपन टाइप, ये कोई मतलब का नहीं है। इन अदर हैंड्स मोटर आर जनरली यूज इन लोकेशन वेयर दे आर एक्सपोज टू डस्ट मॉइस्चर, ये कोई कम का नहीं है। मेन काम है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद में मोटर का प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स इज प्रोड्यूस ऑन इट, द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन फिगर। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन में रखते हैं हम, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स के बीच में रखा गया है, तो इस टाइम पर ये एक फोर्स फील करता है, तो फोर्स की डायरेक्शन है वो यहाँ पर दिखाई गई है, वो फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल से ये फोर्स की डायरेक्शन हम दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। कंसिडर वन सच कंडक्टर प्लेस्ड इन ए स्लॉट ऑफ आर्मेचर एंड सपोज दैट एक्ट अपॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ द मोटर, नॉर्थ पोल ऑफ द मोटर टू साउथ पोल ऑफ द मोटर बाय अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल इट फाउंड दैट कंडक्टर हैज टेंडेंसी टू मूव द लेफ्ट हैंड साइड, यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई किया है। लेफ्ट हैंड रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फील्ड की लाइन क्या है, ये लेफ्ट हैंड रूल होता है। लेफ्ट हैंड रूल में ये क्या है, फील्ड की लाइन है, ये फील्ड की लाइन है, मोशन ये फील्ड की लाइन, ये फ्लक्स की लाइन होगी हमारे पास में। अब जो कंडक्टर है वो मोशन किस तरफ कर रहा है, अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ पोल में करंट एंटर कर रही है या लीव कर रही है। करंट की डायरेक्शन अगर इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स इधर की साइड में होगा, तो ये फोर्स को शो करेगा, थंब है यहाँ पर फोर्स को शो करेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट की डायरेक्शन अंदर की साइड जा रही है। तो थस ए टॉर्क इज डेवलप्ड ऑन द रोटर, सिमिलर टॉर्क आर प्रोड्यूस ऑन ऑल रोटर कंडक्टर, सिंस द रोटर इज फ्री टू मूव इट स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये रोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर डीसी मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मशीन है, ये सारी मशीन है इसी प्रिंसिपल बेस काम करती हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल, ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो फ्लक्स होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ यहाँ पर मूव कर रहा है। उसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड नॉट जनरेटेड, इट इज ए रिवर्सल प्रोसेस, वन मशीन कैन एक्ट एज जनरेटर एज वेल एज मोटर, वन मशीन कैन एक्ट एज ए जनरेटर एंड एक्ट एज ए मोटर, एक मशीन जनरेटर की तरह वर्क भी कर सकती है और मोटर की तरह वर्क भी कर सकती है। तो यहाँ पर मशीन का बेसिक कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। हेयर फोर्स एंड टॉर्क आर रोटेशन टाइप, हेयर इनपुट इज अप्लाई फोर्स एंड टॉर्क एट रोटेशन टाइप, व्हेन वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ इनपुट एंड फाइंड द आउटपुट देन दिस इज कॉल्ड जनरेटर, दिस मशीन इज कॉल्ड जनरेटर, दिस ब्लॉक डायग्राम इज ऑफ डीसी मशीन, बहन वी अप्लाई इनपुट फोर्स एंड टॉर्क एंड फाइंड द आउटपुट एज ए इलेक्ट्रिकल देन दिस इज कॉल्ड डीसी जनरेटर, बहन वी अप्लाई वोल्टेज इनपुट एंड फाइंड द आउटपुट एज ए रोटेशन टॉर्क एंड फोर्स देन इट इज कॉल्ड डीसी मोटर। जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं डीसी मोटर के अंदर तो अंदर की साइड इसी की विपरीत दिशा में यानी इसके अपोजिशन में एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसकी वजह से
ये यहाँ पर रोटेट करता है। तो ये डीसी मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है। इसी तरीके से डीसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जब हम यहाँ पर इनपुट अप्लाई करते हैं फोर्स टॉर्क के रूप में, टॉर्क के रूप में रोटेट करते हैं हम प्राइम मूवर को, तो यहाँ पर इसके अपोजिशन में एक टॉर्क जनरेट होती है जिसकी वजह से यहाँ पर आउटपुट क्रिएट होता है। डीसी मशीन इज ए डीसी जनरेटर विच इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। डीसी मशीन में डीसी जनरेटर क्या है, ऐसी ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि डीसी मशीन क्या है, एक डीसी मोटर है विच इज कन्वर्टिंग डीसी इलेक्ट्रिकल पावर इंटू मैकेनिकल पावर। अब डीसी जनरेटर के बारे में बताया गया है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज डिजाइन टू टेक द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इंटू डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस डिवाइस है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज डिजाइन टू टेक द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एडवांटेज लेने के लिए ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है डिजाइन की गई है, जिसे हम डीसी जनरेटर के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करती है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने का काम करती है। किस लॉ पर वर्क करती है, ये फेराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये वर्क करती है। व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कट करता है, इट ड्रामिकली, ये है डायनेमिकली, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इन इट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पर जो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या कहता है कि जब हम कंडक्टर के अंदर या कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो इसके अंदर एक डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड जो ये वोल्टेज क्रिएट हुआ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के, यानी जो भी फ्लक्स लिंकेज है उसके रेट में कितना चेंज हो रहा है उस पर ये डिपेंड होता है। फ्लेमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल है, ये दो बातों पर मेन डिपेंड करता है, कट्स और रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज और कट कितना कर रहा है उसके अकॉर्डिंग है ये मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो डिपेंड करता है। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, लैम्डा बराबर, ये डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स लिंकेज। इसका डायरेक्ट फार्मूला हम देखें तो ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी और ये एल फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला है, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये अपोज करता है, फ्लक्स लिंकेज है इसकी वजह से जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपोज करता है जिसकी वजह से क्रिएट होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो फ्लक्स कट का यहाँ पर विरोध करता है, तो उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर डी आई बाई डी टी हो जाएगा माइनस एन डी आई बाई डी टी, जो सेम रख दिया, डी आई बाई डी आई से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर ई बराबर माइनस एन डी आई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी यहाँ से आ गया, डी फाई बाई डी आई, डी फाई बाई डी आई, ये दोनों वैल्यू रख लिए हैं, फिर डी आई बाई डी टी है, आई के रेस्पेक्ट में चेंज दिखाया गया है यहाँ पर, ये पूरी वैल्यू है हमारे पास में, ये एल को शो करती है यानी इंडक्टेंस के अंदर चेंज को शो करती है, तो ई बराबर माइनस एल हो जाता है, या फिर ये जो वैल्यू है हमारे पास में ये टॉर्क को शो करती है, जैसे ये एल नहीं है यहाँ पर, मान लेते हैं ये टॉर्क है, तो ये टॉर्क को शो करती है और ये डी आई बाई डी टी हो जाएगी, तो ये माइनस एन डी फाइव बाई डी टी है, नंबर ऑफ टर्न्स है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है, तो ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इफ द फ्लक्स इज टाइम इनवेरिंग इन नेचर, इट एसेंशियल रिक्वायर रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। इफेक्टिव रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज के लिए यहाँ पर क्या जरूरी है, रिलेटिव मोशन जरूरी है किसके बीच में, बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। वन शुड रोटेट विथ रेस्पेक्ट टू अदर, हियर दिस इज कंपल्सरी कंडीशन, वन शुड रोटेट विथ रेस्पेक्ट टू अदर टू प्रोड्यूस द ईएमएफ एंड टॉर्क हियर। इफ द फ्लक्स इन टाइम बेयरिंग इट विल एक्चुअली इंड्यूस ईएमएफ विथ स्टेशनरी कंडक्टर ड्यू टू इनहेरेंट रेट्स ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नो नीड ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर फ्लक्स टाइम बेयरिंग दे रखा है, यहां पर दे रखा है टाइम इनवेयरिंग है,
If the flux is time invariant in nature, essential require relative motion between the flux and the conductor in order to have effective rate of change of flux linkage. One should rotate with respective to other. If the flux is time bearing, it is automatically induced voltage with stationary conductor due to inherent rate of change in the flux. No need of relative motion here. When the flux is time bearing, then there is no need of relative motion. यहाँ पर थ्री मोड्स हैं जो बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को दिखाते हैं. देयर आर थ्री मोड्स, वन इज फ्लक्स एंड अदर इज कंडक्टर एंड थर्ड वन इज मोड. थर्ड मोड विच इज स्टेशनरी एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स एंड कंडक्टर. तो सबसे पहला है फ्लक्स. फ्लक्स यहाँ क्या होना चाहिए? स्टेशनरी टाइम इनवेयरिंग फ्लक्स होना चाहिए. तो यहाँ पर टाइम इनवेयरिंग फ्लक्स है, यहाँ पर होना चाहिए. इसके लिए यहाँ पर एक कंडक्टर दिखाया गया है डीसी मशीन के अंदर, और कंडक्टर है रोटेटिंग होगा. कंडक्टर रोटेटिंग होगा तभी ये फ्लक्स को कट कर पाएगा. तो ये कंडक्टर यहाँ पर रोटेटिंग होना चाहिए. दूसरे मोड के अंदर क्या होता है, ये पहले मोड का काम है कि यहाँ से फ्लक्स लाइन जाएंगी, कंडक्टर है ये फ्लक्स लाइन को कट करेगा. कंडक्टर फ्लक्स लाइन को कट करेगा जिसकी वजह से ये मूव करने लग जाएगा. जैसे फ्लक्स लाइन जाएंगी, कंडक्टर यहाँ पर है, फ्लेमिंग के जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स के अंदर रखा जाता है, फ्लक्स के अंदर रखा जाता है, तो ये एक फोर्स फील करता है जिसकी वजह से रोटेशन स्टार्ट कर देगा. दूसरे मोड के अंदर क्या होगा, फ्लक्स की पोलरिटी दी जाएगी. फ्लक्स की पोलरिटी किस तरीके से दी जाएगी, जैसे कंडक्टर यहाँ पर लगाया, फ्लक्स है हमेशा पोलरिटी नॉर्थ पोल से साउथ पोल फ्लक्स होता है. तो यहाँ पर ये टाइम इनवेयरिंग दिखाया गया है. कंडक्टर है स्टेशनरी होगा, कंडक्टर यहाँ पर स्टेशनरी है. फर्स्ट मोड के अंदर कंडक्टर क्या था, रोटेटिंग था. इसमें कंडक्टर घूम रहा है, इसमें कंडक्टर स्टेशनरी है, यानी एक जगह इस तरह. थर्ड मोड में क्या है, फ्लक्स और कंडक्टर दोनों स्टेशनरी है. तो यहाँ पर ये मशीन है, ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है. तो बेसिक डेफिनेशन देखें यहाँ पर, जब दोनों एक स्टेशनरी हो, फ्लक्स यहाँ पर रोटेटिंग हो और कंडक्टर स्टेशनरी हो, तो ये प्रिंसिपल हम सिंक्रोनस मशीन के अंदर यूज करते हैं. और जब फ्लक्स स्टेशनरी टाइम इनवेयरिंग दे रखा है, यानी फ्लक्स चेंजेबल दे रखा है, कंडक्टर रोटेटिंग है, तो ये प्रिंसिपल हम डीसी मशीन के अंदर यूज करते हैं. ये डीसी मशीन के अंदर यूज करते हैं, ये हम सिंक्रोनस मशीन के अंदर यूज करते हैं. और ये मोड हम जब फ्लक्स और कंडक्टर दोनों स्टेशनरी हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम ये ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं. E1 बराबर N1 d∅ by dt, E2 बराबर N2 d∅ by dt, और E2 अगर हमें निकालना है तो ये दोनों के लिए फार्मूला है E1 और E2. 1880 के अंदर एल्वा एडिसन था, उन्होंने बल्ब की खोज की थी. तो इसका कनेक्शन क्या है यहाँ पर, कि स्टार्टिंग के अंदर जो भी डिवाइसेज थी हमारी डीसी बेस थी, आजकल जो भी डिवाइसेज हैं हमारी एसी बेस हो गई है. तो उस टाइम पर 1880 के अंदर एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, उस टाइम पर जो भी सप्लाई थी हमारे पास में डीसी सप्लाई थी, और डीसी जनरेटर हम उस टाइम यूज करते थे. अब देखते हैं सिंपल लूप जनरेटर. सिंपल लूप जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फ्लेमिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग है. ये डायग्राम दिखाया गया है. यहाँ पर सिंपल जनरेटर के अंदर राइट हैंड रूल है, हम अप्लाई करते हैं. राइट हैंड रूल में क्या होता है, फोर्स को दिखाता है, थंब है मोशन को दिखाता है, जो लाइन्स है हमारी जे वाली लाइन है ये फोर्स को दिखाती है, ये थंब है मोशन को दिखाता है, और ये हमारी करंट को दिखाती है, करंट आ रही है जा रही है. सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर फ्लक्स कंडक्टर एंड कट्स, ये कट्स है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. जैसे हम यहाँ पर जनरेटर का रोटेशन देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखना चाहते हैं कि करंट एंटर कर रही है. मान लेते हैं यहाँ से फ्लक्स लाइन जा रही है और करंट एंटर कर रही है, तो मोशन किधर की साइड होगा. जैसे यहाँ पर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए हम हमेशा राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, और मोटर के लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं. यहाँ पर अप्लाई करते हैं करंट की डायरेक्शन जा रही है अंदर, तो ये रख दिया, ये रूल होता है मेन, ये मेन रूल होता है. जैसे यहाँ पर रख दिया, ये अंदर रख दिया, ये फील्ड की लाइन जा रही है इधर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये लाइन करंट अंदर जा रही है, करंट अंदर जाने के लिए हमने ये क्रॉस लगा दिया. तो यहाँ पर फ्लक्स की लाइन है, जो ये रोटेशन होगा जनरेटर का वो इस डायरेक्शन हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसे.
इसी तरीके से यहाँ से करंट आ रही है और ये फील्ड की लाइन से, तो हम इस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरीके से अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लक्स की लाइन क्या हो जाएगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर विशेषकर ध्यान क्या रखना है हमें, ये रूल नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाना चाहिए और ये इधर की साइड आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये आ रही है हमारे पास फ्लक्स की लाइन, ये आ रही है हमारे पास में करंट की डायरेक्शन जो कि बाहर आती हुई निकल रही है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी और ये हमारे पास में मोशन हो जाएगा जो कि इधर की डायरेक्शन में इसको घुमा रहा है। इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन है चेक करते हैं जनरेटर की। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये ए बी सी डी दिखाया गया है, ए बी सी डी, अब इनके एक्सचेंज कर दिया, ए बी सी डी इधर रख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हम करंट की डायरेक्शन यहाँ पर एंटर मानते हैं दोबारा सी और डी के अंदर। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन सी से डी आ रही है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डी से सी जा रही है, फिर यहाँ पर हम वही रूल अप्लाई करते हैं जैसे हमने ये रूल अप्लाई किया, तो वही सेम सिस्टम है। यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, ये डायरेक्शन इधर की तरफ मूव करेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई लेंगे जनरेटर के ये दो टर्मिनल से, हम अगर सप्लाई लेना चाहते हैं वाइंडिंग के दो टर्मिनल से हम सप्लाई लेना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर कनेक्शन आउटपुट डायरेक्ट लेने के लिए हम डीसी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें ये इस सर्किट की जरूरत पड़ेगी, कम्यूटेटर सर्किट की। अब कम्यूटेटर सर्किट को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इस वजह से इसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट नहीं करके इसको दो सेक्शन किए जाते हैं, इस तरीके दो सेक्शन किए जाते हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि हम दो अलग अलग वाइंडिंग अलग अलग सिरों पर अप्लाई कर दें फिर बल्ब जला सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर बल्ब जला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर डीसी सप्लाई जो भी वैल्यू है वो करंट की वैल्यू है वो रोटेशन टाइप में है, जैसे ये बैंड है घूमती रहेगी, जैसे ये बैंड है इस तरीके से घूमती रहेगी। अगर डायरेक्ट ही हम यहाँ पर बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो बल्ब भी उसके साथ में इस तरीके से घूमता रहेगा, तो उस बल्ब को घूमने के लिए ये इकोनॉमिकल या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में ये सही मेथड नहीं है कि हम बल्ब को भी घुमाते रहे, क्योंकि बल्ब हमारा स्थिर होना चाहिए, उसके लिए हम कनेक्शन भार लेते हैं, कनेक्शन भार लेने के लिए हम इस तरीके से कनेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्मिनल के लिए ये आउटपुट ले लेंगे, जैसे ए और बी पर आउटपुट ले लिया, फिर यहाँ पर बल्ब को जलाएंगे, तो यहाँ पर बल्ब स्थिर हो जाएगा, दो ब्रश से हमने एक से ये ले लिया एक से ये ले लिया, फिर ये मूव करने लग जाएंगे। इसी तरीके से बल्ब में एक तरफ डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारे पास में कि करंट की डायरेक्शन क्या जाएगी, बी से ए जाएगी, फिर सी से डी, फिर बी से ऐसे जाते हुए ऐसे आ जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें वही करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर दो से एक के बीच में बल्ब की डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी। तो ये दोनों टाइम है डायरेक्शन दिखा रखी करंट की, सिंपल है। इसके बाद में हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि करंट की डायरेक्शन कितना लिखा जाएगी, बी ए सी डी, करंट की डायरेक्शन बी ए सी डी जा रही है, फर्स्ट नोड अंदर बी ए सी डी करंट की डायरेक्शन जा रही है, फिर कहाँ जा रही है, बी टू बाई ए या बाई वन, तो यहाँ पर दिखाया गया है बी टू बाई एक्स वन ए, तो यहाँ पर ये है बी टू बाई वन और एक्स का मतलब क्या है, ये बल्ब के लिए यूज किया है, बी टू बाई एक्स वन, तो इस तरीके से दिखाई रखिए। इसी तरीके से करंट की डायरेक्शन सेकंड मोड के अंदर क्या हो जाएगी, डी सी ए बी वन एक्स बाई टू बी, तो डी सी ए बी वन एक्स बाई टू बी, तो यहां पर डायरेक्शन देखें हम डी सी ए बी वन डी सी ए बी, फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर आएगी, ये हमने यहां पर टर्मिनल चेंज कर दिया, इसकी वजह से क्या होगी वन, फिर यहां पर एक्स, मान लेते हैं ये बल्ब एक्स है हमारे पास में वन एक्स, ये टर्मिनल मान लेते हैं पूरा ये बाई है एक्स बाई, ये बल्ब के टर्मिनल मान लिया एक्स बाई टू बी, तो ये एक्स बाई टू बी हो जाता है। तो यहां पर हम देखें कि करंट की डायरेक्शन यहां पर क्या है, बी सी बी ए सी डी, यहां पर डायरेक्शन क्या हो गई है डी सी ए बी, यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी चेंज हो रही है। तो चेंज होने का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन हमारी किस तरीके से फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ए सी का रूप ले रही है यहां पर, तो यहां पर हमें ए सी मिल रही है। यहाँ पर भी हम देखें जैसे b बाई एक्स वन ए वन एक्स बाई टू बी, यानी करंट की डायरेक्शन यहाँ भी चेंज हो रही है, तो हमें दोनों कंडीशन के अंदर AC मिल रही है। अब दूसरे मोड में हम चेक करते हैं, दूसरे मोड में मतलब कि थर्ड मोड का डायग्राम दिखाया गया है।
थर्ड मोड के डायग्राम से पहले ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि ये मिडिल एंड करंट के लिए दे रखा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, ये इस स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पर सर्कल्स पर रोटेशन दिखाए गए हैं, सर्कल्स पर रोटेशन फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड में कितने होते हैं, पी बाई टू, रोटेशन पर सेकंड कितने होते हैं, ये सर्कल्स पर रोटेशन है पी बाई टू, पोल बाई टू, कितने पोल की मशीन है उसमें दो का डिवाइड कर देंगे। यहाँ रोटेशन पर सेकंड दिखाए गए हैं एन वाई सिक्सटी, क्योंकि पर मिनट के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर एन वाई सिक्सटी हो जाएगा रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड। इसी तरीके से साइकिल बाई साइकिल रोटेशन और रोटेशन बाई सेकंड, यानी साइकिल्स पर सेकंड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, साइकिल बाई रोटेशन मल्टीप्लाई बाई रोटेशन इंटू रोटेशन बाई सेकंड, तो यहाँ रोटेशन से रोटेशन कैंसिल हो जाएगा, साइकिल बाई सेकंड आ जाएगा पी एन बाई टू इंटू सिक्सटी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है यहाँ पर पी एन बाई वन ट्वेंटी, फ्रीक्वेंसी आएगी पी एन बाई वन ट्वेंटी, एन आ जाएगा वन ट्वेंटी एफ बाई पी, तो एन की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है वन ट्वेंटी एफ बाई पी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर तीसरे सेक्शन में ये जनरेटर की ये डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में बेसिक फंडा है हमारे पास में कि हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते बल्ब, डायरेक्ट कनेक्ट बल्ब नहीं कर सकते, और इस तरीके से हमने देखा कि दोनों टाइप एसी एसी आ रही है, हमें डीसी चाहिए, तो डीसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम्यूटेटर लगा दिया। कम्यूटेटर लगाने के कम्यूटेटर की बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है कि ये सेक्शन है अलग हो जाता है यहाँ पर, यानी शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ये इंसुलेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं इसके लिए, तो दोनों अलग अलग सेक्शन पर लगा दिए। अब दोनों अलग अलग सेक्शन पर लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ में ये भी घूमेगा, इसके साथ में ये सेक्शन भी घूमेगा, तो हम इस सेक्शन को घूमने से रोकने के लिए हम ये ब्रश भी यहाँ पर घूमेगी, तो इसके अकॉर्डिंग ही करंट की डायरेक्शन है वही लेफ्ट हैंड रूल रहा है, राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे जनरेटर के लिए, यहाँ से करंट एंटर कर रही है तो क्रॉस ले लिया यूज, यहाँ पर डॉट वही राइट हैंड रूल लगा अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये जनरेटर इस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये बाइंडिंग है ये चेंज होते जाएंगे, जैसे ए बी है तो ए बी यहाँ चला जाएगा, सी डी यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर करंट बी से ए जा रही है, यहाँ पर करंट ए से बी जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रही है। तो इसमें अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन किस तरीके से दिखा रखी है, तो यहाँ पर क्या रखिए बी ए सी डी, तो बी ए सी डी तीसरे डायग्राम के अंदर, फिर क्या रखी है, फिर क्या रही है बी टू वाई एक्स वन ए, बी टू वाई एक्स वन ए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इनको चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया डी सी ए बी, डी सी ए बी, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर हमें ए सी मिल रही है, इस जगह पर हमें ए सी मिल रही है क्योंकि चेंज हो रही है यहाँ पर। फिर देखते हैं आगे ए टू वाई एक्स वन बी, ए टू आई ए टू फिर वाई एक्स, ये वाई और एक्स हो जाता है और वन बी, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल रही थी बी टू वाई एक्स वन बी, यानी वाई एक्स से वाई एक्स सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, वाई एक्स से वाई एक्स यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या है हमें यहाँ पर डीसी मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये कम्यूटेटर ने एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, इसने डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें एक देखना है यहाँ पर मेन रोटेशन, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर ए बी ए के यहाँ पर कनेक्ट था, ए बी यहाँ पर बी के यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, तो बार बार ये एक्सचेंज नहीं करे, इसके लिए हम इसके कनेक्शन को इस तरीके से चेंज कर देते हैं, तो इस वजह से क्या है इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर कम्यूटेटर रोटेट नहीं करना चाहिए, तो कम्यूटेटर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और ये ओनली बाइंडिंग यहाँ पर घूमेगी, कम्यूटेटर हमें फिक्स करना है, तो यहाँ पर कम्यूटेटर रोटेट हो रहा था साथ साथ में, अब यहाँ पर कम्यूटेटर हमने फिक्स कर दिया, कनेक्शन इस तरीके से दिखा दिया है, उसके अकॉर्डिंग ये रोटेशन हमारा हो जाएगा, तो ये मेन जो डायग्राम है ये जनरेटर के रूप में यहाँ पर वर्क करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दे रखे हैं, बहन ए सिंपल कॉइल इज रोटेटिंग बिटवीन टू पोल एन एंड एस विथ स्पीड एन आर पी एम, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन एसी विथ ए फ्रीक्वेंसी एफ बराबर पी एन बाई 120, इफ टू स्लिप रिंग आर यूज टू कलेक्ट एसी कलेक्ट एज एसी, इफ टू स्लिप रिंग आर यूज टू कलेक्ट एसी कलेक्टेड एज एसी एंड इज कंसिडर्ड एज एसी जनरेटर, इफ इट रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड एन बराबर 120 एफ बाई पी then it is called synchronous generator with rotating armature. If one ring is used with split called as split ring, then AC is coil is converted into DC. अगर one coil है हम यहाँ पर one ring है वो split की तरह use कर ले तो हम इसे कहेंगे split ring और AC coil है DC में बदल जाएगी, तो ये यहाँ पर जो split
की चीज है वो क्या है यहाँ पर, ये स्प्लिट है, ये स्प्लिट रिंग हमने यूज की है। तो ये क्या कर देगी, डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देगी। स्प्लिट रिंग इज आल्सो कॉल्ड रोटेटिंग कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर। स्प्लिट रिंग को हम रोटेटिंग कम्यूटेटर और मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। इट कन्वर्ट एसी टू डीसी बेस्ड ऑन दी रोटेशन विद कॉइल। इन ऑर्डर टू मेक कम्यूटेटर एक्शन पॉसिबल कॉइल आर्मेचर बाइंडिंग शुड रोटेट, देयरफॉर डीसी मशीन हैव स्टेशनरी फील्ड रोटेटिंग आर्मेचर ड्यू टू कम्यूटेटर एक्शन। तो हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर एक्शन को पॉसिबल कॉइल के लिए, यानी कम्यूटेटर को हम मूव नहीं करना चाहते, रोटेट नहीं करना चाहते। इन ऑर्डर टू मेक कम्यूटेटर एक्शन पॉसिबल कॉइल आर्मेचर बाइंडिंग शुड रोटेट, देयरफॉर डीसी मशीन हैव स्टेशनरी फील्ड रोटेटिंग आर्मेचर ड्यू टू द कम्यूटेटर एक्शन। तो यहाँ पर सिंपल बात यह है कि हमने यहाँ पर एसी प्राप्त करते हैं और बाहर की साइड कम्यूटेटर सेगमेंट से यहाँ पर डीसी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कम्यूटेटर है वो फिक्स रहता है। अगर हम बाहर से ले लेते हैं तो डायरेक्ट एसी हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर इस चीज पर हम क्वेश्चन बेस देखें तो यहाँ पर हम देखें बेसिक ई एम एफ का, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, एन डी फाइव आई डी टी, ई को हम बी एल वी साइन थीटा, तो बी वोल्टेज होता है उसको पाई डी एम बाई सिक्सटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोटेशन बिटवीन ई एंड एम, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री का रोटेशन है, थीटा ई बराबर थीटा एम पी बाई टू, इसे हम निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर 360 डिग्री होता है, इसी को हम मैकेनिकल के अंदर होता है, ये 360 डिग्री जो एंगल है ये मैकेनिकल अंदर होता है। अगर इसको इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 720 डिग्री होता है। देर आर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री पर पोल इन एनी पोल मशीन, किसी भी पोल मशीन के अंदर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है पर पोल के अंदर। तो बेसिक फंक्शन है, यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल फील्ड लाइन दिखाई गई है, फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, ये पोल का कॉन्सेप्ट है वो दिखाया गया है कि करंट की डायरेक्शन पहले यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर आ रही है, करंट की डायरेक्शन पहले जा रही है और आ रही है, इसके अकॉर्डिंग है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है और ये करंट अंदर जा रही है और ये फ्लक्स है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एम एन ए किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, थीटा जीरो पर जाएगा या फिर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा या थीटा यहाँ पर इस जगह पर 90 डिग्री होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जनरेटर का। अब देखते हैं जी एन ए और एम एन ए क्या होता है, किस तरीके से जनरेटर के अंदर शिफ्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 पोजीशन जी एन ए एम एन ए की दिखाई गई है, अगर इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई भी फ्लक्स कट नहीं कर रहा है, कोई भी फ्लक्स कट नहीं कर रहा है, तो इन पॉइंट पर ये जीरो होते हैं, जो फ्लक्स है वो यहाँ पर जीरो होता है इन पॉइंट के बीच में, यानी 7 और 5 पर जीरो होगा। तो फर्स्ट और 7 पर जीरो है, फर्स्ट और 5 पर, तो फर्स्ट पर जीरो है फ्लक्स लाइन है, फर्स्ट पर जीरो है, 5 पर जीरो है। फिर यहाँ पर देखते हैं 3 पर मैक्सिमम होगा, जैसे 3 पर यहाँ पर मैक्सिमम है, इधर 7 पर माइनस में मैक्सिमम होगा, नॉर्थ पोल की साइड मैक्सिमम होगा और बाकी जगह पर मीडियम दिखाया गया। तो इस तरीके से हमारे पास फ्लक्स क्रिएट होता है। अब इसको बेसिक फंक्शन देखें कि यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहे हैं, नॉर्थ पोल के ऊपर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल के नीचे साउथ पोल, या साउथ पोल के ऊपर साउथ पोल है, ये किसके लिए आता है, जी एन ए और एम एन ए को फ्लक्स शिफ्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले देखें हम सिंपल 1 और 5 के लिए देखते हैं, सिंपल 1 और 5 के लिए देखते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है 1 और 5 पर यहाँ पर जीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 1 और 5 पर जीरो है, और फ्लक्स लिंकेज है वो यहाँ पर उपस्थित है ही नहीं, फ्लक्स लिंकेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यानी इसको मान सकते हैं फ्लक्स लिंकेज, अगर इससे एम एन ए के साथ में देखें तो एम एन ए के साथ में ये मैक्सिमम है फ्लक्स लिंकेज। उसके बाद में देखते हैं 3 और 7 पर मैक्सिमम है और फ्लक्स लिंकेज है वो मिनिमम है। कंस्ट्रक्शन डिटेल है यहाँ पर डीसी जनरेटर के, देखते हैं देयर स्टेशनरी पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेटर रोटेटिंग पार्ट, रोटर विथ लीस्ट एयर गैप, देयर इज स्टेशनरी पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेटर रोटेटिंग पार्ट रोटर, स्टेशनरी पार्ट को स्टेटर कहते हैं, रोटेटिंग पार्ट को रोटर कहते हैं, विथ ए लीस्ट एयर गैप बिटवीन देम, दिस इज फिक्स्ड स्ट्रक्चर और पोल विच इज हेट्रोपोलर अल्टरनेट नॉर्थ साउथ इवन स्ट्रक्चर, ये एक फिक्स्ड फील्ड स्ट्रक्चर है या पोल स्ट्रक्चर है, विच इज हेट्रोपोलर
या अल्टरनेट नॉर्थ साउथ इवन स्ट्रक्चर ये बताई गई है। आर्मेचर बाइंडिंग जी कीप्ड, आर्मेचर बाइंडिंग इज कीप्ड इन रोटेटिंग पार्ट वेयर वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, देयर इज ए कम्यूटेटर कनेक्टेड टू कॉयल एंड माउंटेड ऑन द शाफ्ट रोटेट विथ आर्मेचर एंड कन्वर्ट एसी टू डीसी। कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ब्रशेज आर प्लेस्ड ऑन द रोटेटिंग कम्यूटेटर विच आर स्लाइडिंग स्टेशनरी टू कॉन्टैक्ट ऑफ करेंट। दिस एयर गैप इज मेड एट लीस्ट एज पॉसिबल अराउंड 1 to 2 mm फॉर लीस्ट mf रिक्वायरमेंट। इसके बाद में दे रखे हैं देयर आर टू बाइंडिंग, बेसिकली यहाँ पर दो बाइंडिंग दे रखी है। बेसिकली फर्स्ट बाइंडिंग है फील्ड बाइंडिंग टू प्रोड्यूस वीकिंग फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स है यहाँ पर, फील्ड बाइंडिंग टू प्रोड्यूस वर्किंग फ्लक्स व्हेन इट इज एक्साइटेड विद डीसी। फील्ड बाइंडिंग क्या काम आती है, जब डीसी से इसको एक्साइटेड किया जाता है तो वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। आर्मेचर बाइंडिंग वेयर वर्क इज डन द वोल्टेज इज इंड्यूस्ड और टॉर्क इज प्रोड्यूस। आर्मेचर बाइंडिंग कहाँ पर यूज की जाती है, वेयर वर्क इज डन वेयर वोल्टेज इज इंड्यूस्ड और टॉर्क इज प्रोड्यूस, वहां पर आर्मेचर बाइंडिंग हम यूज करते हैं। ये सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। ये यहाँ पर ये शाफ्ट होती है, ये वाली शाफ्ट है यहाँ पर। ये आर्मेचर की कोर दिखाई गई है। ये योक है जो प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। ये स्टेटर है, ये फील्ड बाइंडिंग है। ये हेट्रोपोलर कंस्ट्रक्शन इसकी दिखाई गई है। हेट्रोपोलर कंस्ट्रक्शन मतलब इसका अंदर का डायग्राम है, उसका व्यू यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से अंदर का डायग्राम होता है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पर कंडक्टर होते हैं, तो इस तरीके से ये मूव करती है। यहाँ पर एसी हमें प्राप्त होती है, एसी कम्यूटेटर सेगमेंट से हमें यहाँ पर डीसी प्राप्त होती है, तब तो हम लोड पर अप्लाई करते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है ताकि ये इजिली अंदर की साइड मूव कर सके। ये हेट्रोपोलर का साइड व्यू है, वो दिखाया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज है, वो क्या क्या काम करती है। जैसे यहाँ पर योक है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट पोल्स, फ्लक्स पाथ कंप्लीटेशन काम करती है, कास्ट आयरन की बनी होती है, फैब्रिक इसलिए नॉन लेमिनेटेड की बनी होती है। मैन डीसी मशीन यूज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर लेमिनेटेड योक इज यूज। जब डीसी मशीन को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के अंदर यूज किया जाता है तो हम वहाँ पर लेमिनेटेड योक है वो यूज करते, लेमिनेटेड कोर है वहाँ पर हम यूज करते हैं।